भाई पेश है आपके सामने दिल्ली के मशहूर कलाकार टी सीरीज कैसेट्स के माध्यम से माँ की सुंदर सुंदर भजन लेकर। तो भाई का व्लॉग हमेशा ऐसे ही स्टार्ट होता है, अगर आपने देखा हो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। हमारे जेपी भाई, ये भाई ऐसे बोलते हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूँ वाइट डॉग। आज मैं आपको ले आया हूँ हरियाणा के मशहूर रंग मंच। ओहो हो, कैसे मिस कर दिया तुम किसान को। तो दोस्तों, ये बंदा है जिसने सबके व्लॉग को डाउन करवा दिया है और अपना चैनल चला रहा है। सेल्फी इंसान है भाई, क्या करते भले बताओ, कैसे आपके मिल जाना है। जादू मिलने भाई से बहाना लगा दिया, पावर कट हो गया। ये बोल रहे या तो पावर कट हो गया या वाईफाई नहीं चल रहा, आज वो हो गया। अभी जैसे ये बोल के आया, अभी इसने पता क्या बोला है, ओनर को बोला घर पे लड़ाई होगी। घूम रहे अपने पैशन के लिए, लेकिन जिस चीज की कमी दिख रही है वो दिखाएंगे तो हो सकता है सुधार हो जाए, उस एरिया का भी बेटर मिल जाए उससे। बहुत अच्छी बात है। आर जे मिथिला ब्लॉग गरज शक्ति ब्लॉग। कुछ लोग शोर नहीं मचा रहे भाई, क्यों तुम्हें यूट्यूबर नहीं बनना? बनना है। पहली बार मेरे को देख के लगा ये रियल एस्टेट का बंदा है, यूट्यूबिंग क्यों कर रहा है। वाकई में भाई बंदा मत है नहीं है। Hey guys, welcome back to my channel. It's me, Indu Joshi. और आज मैं आई हूँ अपने YouTube के फर्स्ट मीटअप पे, जो कि जनकपुरी वेस्ट में है। तो ये जनकपुरी का दिल्ली हाट है, यहाँ पे काफ़ी सारे दिल्ली के यूट्यूबर्स आए हैं। उनमें से तीन मेरे फेवरेट यूट्यूबर्स हैं, वर्ल्ड ऑफ जसमीत और तरुण कृष्णा व्लॉग्स और ट्रैवल टू रिचार्ज। तो उनसे भी आज मैं मिलूंगी यहाँ पर। तो और मैं किस किस यहाँ पे मिलने वाली हूँ वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो वीडियो में बन रहना एंड तक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो अब एसी दे लीजिए, कुछ मोटिवेशनल वर्ड्स सुनते हैं जो हमारे सामने देने वाले हैं। इतनी सारी पब्लिक यहाँ पे बैठी हुई है, तानी सबको आवाज आ भी पाएगी या नहीं। 21 अगस्त को ये मीटअप काफी अच्छा जा रहा था, मुझे मैंने सोचा नहीं था इतने लोग आ जाएंगे। मैंने तो बस अपने लिए रखा था कि मैं मैक्सिमम यूट्यूबर से मिल पाऊंगा। सबसे पहले इसके लिए तालियां कि इसने मीटअप कराया। जब मैं एक बार गया था कहाँ, सबसे ज्यादा मैंने यूट्यूबर्स देखे थे भाई अपने फन एंड फूड विलेज में, वही मैंने सबसे ज्यादा देखे थे। इससे पहले मैंने किसी को देखा नहीं था और ना ही मेरे बहुत सब्सक्राइबर्स थे, बहुत थोड़े से सब्सक्राइबर्स थे। बट फिर धीरे धीरे ग्रो भी करता गया और मैंने लोगों को देखा, मुझे मिलने की इच्छा हुई। तो मैंने सोचा मेरे जैसे बहुत होंगे जो मिलना चाहते होंगे, तो क्यों ना एक मीटअप रखें, क्योंकि अभी इतने बड़े हम हुए नहीं है। एक बोल भर चाली अभी हम हुए नहीं है कि हमसे लोग मिलना चाहेंगे, तो मैंने कहा यूट्यूबर ही यूट्यूबर को। अरे हो तभी तो आ गए हम सारे यार, कमा रहे हैं अभी तो आए हैं यार। सही बात है, वाह वाह क्या बात की। और उतने ही बड़े हैं क्योंकि अभी बाहर की पब्लिक नहीं है हमारे पास। बड़े हैं, बड़े हैं, बड़े हैं, बड़े हैं, बड़े हैं, बड़े हैं। 70-80 लोग तो आ गए भाई, एक बार मैंने कहा है 70-80 लोग आ गए, मुझे बहुत खुशी हो रही है। बाकी खुशी हो रही है, घबराए हुआ हूँ मगर। अरे नहीं भाई, बहुत बढ़िया बोल रहे हो। मैंने कभी नंबर वन बोला नहीं। यूट्यूबर बनने के बाद तो मैंने बोलना शुरू किया था, आज ठीक ठाक लग रहा है मुझे। नहीं, 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 बहुत बढ़िया बोल रहे हैं भाई। बाकी अभी पूछना चाहेंगे जसमीत भाई है हमारे, मेरी कैटेगरी मतलब वाटर पार्क कैटेगरी में कहूँगा। सबसे पहले एक बार फिर से इसका थैंक्स की, मुझे लगा नहीं था कि इतने ज्यादा लोग आएंगे, बट आए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब हमारी कैटेगरी के ही हैं ज़्यादातर यहाँ पे लोग, और आप सबका सपोर्ट देने के लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ मैं आप सबका। और मैं चाहूँगा कि आप सब, मुझे ही नहीं ये जितने भी हैं, इन सबको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि सारे सबको सपोर्ट कर लो भाई। यूट्यूबर बनना आसान नहीं होता, एफर्ट्स तो डालने ही पड़ते हैं जो भी है। और बाकी आ गया तरुण कृष्णा। तो अब आ गए मेरे वन ऑफ द फेवरेट यूट्यूबर तरुण कृष्णा व्लॉग्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया तरुण। तरुण इस पीस से निकाले, फिर देर से निकाल दिया, फिर निकाल पर्ची पर्ची पढ़ के बोलूंगा पर्ची निकाल के। अच्छा मेरे को सारे जानते हैं सब सब। हां जी, आपको कौन नहीं जानता यार। किसी को क्वेश्चन हो तो पूछ लो, क्योंकि मेरे माइंड में अभी कुछ है नहीं। कुछ क्वेश्चन नहीं, कुछ ब्लैक बुक कर लो। ये बोल दो जय हिंद वंदे मातरम। अच्छा मैं पूछना चाहूंगी कि, अरे मैं पूछना चाहूंगी कि आपने क्या सोचकर व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, मतलब मोटिव क्या था? अच्छा क्वेश्चन है कि मैं व्लॉगिंग कैसे स्टार्ट की। तो वही चैनल तो मैंने ऐसे बना लिया था, दूसरे को देख देख कर,
बट तब मन में आया ना, मतलब गौरव जो उनको जानते होंगे वहीं से मैंने शुरुआत करी थी। मैंने उसके चैनल देखा था, उसने एक ब्लॉग में कहा था मैं बहुत पैसे छाप रहा हूँ मैं यूट्यूब की, गौरव जो उनसे मिले आ जाओ भाई मैदान में आ जाओ। भाई पेश है आपके सामने दिल्ली के मशहूर कलाकार टी सीरीज कैसेट के माध्यम से माँ की सुंदर सुंदर भजन लेकर। तो गाइस एक बार शोर मचा के, कुछ लोग शोर नहीं मचा रहे भाई, क्यों तुम्हें यूट्यूबर नहीं बनना? बनना है। तो आज हमारे साथ तरुण कृष्णा भाई। तरुण भाई जब भी व्लॉग स्टार्ट करते हैं, मैंने आपका व्लॉग देखा, तो भाई का व्लॉग हमेशा ऐसे ही स्टार्ट होता है अगर आपने देखा हो। हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। नहीं है भाई, भाई ये भाई ऐसे बोलते हैं। सो हेलो गाइस, मैं हूँ वही डॉक्टर, आज मैं आपको ले आया हूँ हरियाणा के मशहूर रंगमंच। कौन सी? तो आप बात कर लेते हैं यहाँ की अमेनिटीज के बारे में। ऐसे भाई यार आपको शांति हो गया तरुण भाई, क्या बात होगी यार, मेरे वीडियो बहुत मजा आ रहा है। मैंने इन भाई को फर्स्ट टाइम देखा था ट्रेवल टू रिचार्ज को, जब ये आए थे। नहीं नहीं, मेरे दिमाग में पूरी पिक्चर छपी हुई है जब मैंने इनको फर्स्ट टाइम देखा उसमें। नहीं नहीं, वाव में पिक्चर छपी हुई है पूरी, लेकिन वाव में नहीं। अरे हवाई जहाज में, हवाई जहाज एरोप्लेन रेस्टोरेंट। भाई साहब पहली बार मेरे को देख के लगा ये रियल एस्टेट का बंदा या यूट्यूबिंग क्यों कर रहा है, पर वाकई में भाई बंदा मत है नहीं है। तो भाई आप भी कुछ बोल लो भाई, वीडियो देख लेना भाई, नाराज मत हो जाना, सीन काट देंगे। पहले पूरी वीडियो देख लेना, करण शक्ति व्लॉग में विजिट जरूर करना। मुझे ये पता था करण शक्ति व्लॉग बहुत बड़ा ब्लॉग है, लेकिन ये है मुझे नहीं पता था, सीरियसली बता रहा हूँ। अरे वाह, अरे भाई बोल, दिल पे ले गया यार, सो मच यार। और मुझे पता नहीं मुझे कितने लोग जानते हैं, और सारे लोग जानते हैं भाई आपको, सब जानते हैं, मैं जानता हूँ, सारे लोग आपस में ऑलमोस्ट सारे लोग जानते हैं। तो दोस्तों आज जो हम इकट्ठा हुए ना, उसका मतलब मोटिव ये है कि बहुत से लोग की क्वेरी होती है कि यार यार कैसे व्लॉगिंग करें, बहुत लोग जो होंगे जो भी स्टार्ट इनिशियली स्टार्ट किया होगा और उनको समझ नहीं आ रहा होगा, तो आज उनके लिए अच्छा मौका आया क्योंकि आज जसमीत भी है, तरुण कृष्णा भी है, बड़े बड़े ब्लॉगर्स यहाँ पे हैं, तो आप उनसे क्वेरी कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकता है कोई आपको कुछ पूछना हो। तो यार मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है आप इतने सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, और जो भी है यार ऐसा होना चाहिए। बाकी भाई तुम्हें पता क्या चलता है कि कौन सा ऊपर क्या मैंने कुछ नहीं पूछा था, मुझे ये सारी चीजों का बहुत रिसर्च में लगा था, मेरा सारा टाइम रिसर्च में ही जाता था। क्या बात है, ऐसी कौन सी चीज जो हम कर रहे हैं हमें नहीं मिल रहा, इसे मिल जा रहा है यार, मैं एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। गली मोहल्ले में जो मेला लगा हमें, मेरे बगल में लगा, मुझे नहीं पता भाई, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, जसमीत की वजह से यहाँ पर काफी सारी वीडियो का कंटेंट मिला भाई, रोज यही कहते हैं कल कहाँ चलना भाई, जसमीत की वीडियो कहीं पहुंचा ही होगा भाई। और दोस्तों जब मैं पहली बार जसमीत से मिला था तो मैंने एक ही चीज बोली थी कि मुझे कुछ कहीं रिसर्च नहीं करना, इसको फॉलो कर रखा, मुझे पता क्या लेकिन मुझे जाना है, ये पहले जाएगा दूसरे मैच। अच्छा ये बोल रहे थे कि मेले वगैरह पहुंच जाते हैं, ये बात ऐसी होती है कि हम बड़ी बार ऐसी जगहों पर जाते हैं जब वो जगह शुरू भी नहीं होती, और ऐसी बड़ी चीजें हैं जो वीडियो में नहीं दिखती हैं, और मतलब बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, आसान नहीं होता, और मतलब डिसअपॉइंटेड वे में भी वापस जाना पड़ता है, बट हम दोबारा जाके आप सब मेरी वीडियो बनाते हैं वहाँ की, हमारी मतलब सिचुएशन कई बार ठीक नहीं भी होती है, बारिश होती है कुछ भी, तो फिर भी ब्लॉग बनाते हैं, एक बार एक एक दिन में दो दो बार ब्लॉग डालते हैं। और मैं ये भी जानता हूँ कि आप सब भी बड़ा एफर्ट करते हैं, पंजाबी वाली बात नहीं दिल्ली से सब मासम के न्यूज़पेपर अलग अलग सोर्सेज है, हमने बड़ी मेहनत करके पता करा, और फेसबुक इंस्टाग्राम गूगल कुल मिला के नहीं बताना है, और क्या बोलूंगा। अच्छा एक सेकंड
आप लोग सभी ब्लॉगर हर जगह ब्लॉग देने जाते होंगे, आप लोग से कभी किसी ने पूछा है कि आप जसमीत को जानते हो क्या? ये सवाल आपसे कई लोग पूछते होंगे ना, मेरे साथ तो हर बार ऐसा होता है, मैं हाँ मैं जानता हूँ, मिलवा भी दूंगा, 200 में लूंगा। अच्छा, तरुण कृष्णा से याद आया, पता क्या, जब मैं घूमने आता हूँ दोस्तों मिलते हैं तो आप तरुण कृष्णा जानते हो, वही जो ऐसे से मांस चढ़ाता है, और एक बहुत बड़ी बात मैं आप सबको बतानी भूल गया कि मुझे असल में तरुण कृष्णा ही नहीं इंस्पायर करा, दिल्ली NCR की वीडियो में, क्या बात है, स्टार्टिंग में इसी से ही मैं इंस्पायर हुआ था। बाकी अगला तो इन्होंने तो बोल दिया, अभी ये बोलना चाहेंगे थोड़ा, प्लीज बिल्कुल बिल्कुल बोलना भाई, मैं तेरी बारी है, जानते हैं। मेरा नाम कमलप्रीत है एंड चैनल का नाम एक्सप्लोरिंग कमल है। मैं बेसिकली वीडियो शूट करती हूँ लाइक मार्केट प्लेसेस की, जहाँ पे डिस्काउंट के एंड काफी अच्छे प्राइसिंग में जो चीजें एक्सक्लूसिव रहती हैं, तो बस विजिट करना आप लोग, आपका फायदा होगा कहीं ना कहीं। एंड थैंक यू सो मच, हम लोग इस बारे में सोचा भी नहीं कभी, एंड यू डिड इट, एंड हम आज सब मिले हैं बिकॉज काफी एसी भाई के लिए सच में भाई तालियां तो आ रही हैं। जसमीत जी, थैंक्स टू यू फॉर ऑल द कम्युनिकेशन, जो भी अपडेशन हो रही थी वाज लाइक ये सब कुछ बता रहे थे। सो हेलो फ्रेंड्स, आप लोग अतुल जी के वजह से हम लोग सारे यहाँ पर आए हैं, और हम लोगों ने भी नहीं सोचा था कि हम कभी मिलेंगे, बिकॉज टाइम हम उन्हीं से ही मिले थे। ट्रैवल ट्रिप चाहिए, और इन्होंने बहुत अच्छा कमेंट किया था हमारे पे, हम लोग ऑफिस में बैठे थे, उन्होंने पूछा था आप नहीं जानते, और उन्होंने बोला इन्होंने तहलका मचा रखा है, तो वो बहुत इंस्पायरिंग था हमारे लिए, क्योंकि अभी हमें ज्यादा टाइम नहीं हुआ, हमें 3 months ही हुआ है। सब्सक्राइब कर देना सारे इनका चैनल, उम्र है अपने पैशन के लिए, लेकिन जिस चीज की कमी दिख रही है वो दिखाएंगे, तो हो सकता है सुधार हो जाए, उस एरिया का भी बेटर मिल जाए, बहुत अच्छी बात है। आरजे मिथिला ब्लॉग, आरजे मिथिला, तो भाई मुझे आप सेम टाइम पे सब्सक्राइब कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा थैंक्स तो तरुण भाई को, और भाई ये अतुल भाई को, बाकी भाई सबका थैंक यू। 954 हो गया भैया, मैंने अभी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था पीछे फॉर फनी वे में कि मेरे सब्सक्राइब कीजिए, तो फैमिली होने के नाते ना सबसे बड़ा नाता होता है कि अपने जितने भी नीचे वाले लोग हैं ना उनको साथ में लेके चलते, और मैं जस्ट आप लोगों से यही एक चीज बोलूंगा और कुछ नहीं बोलना है ना, मैं इतने बड़े लेवल पे भी पहुंचा हूँ, डाउन हूँ अभी, पहली सीढ़ियाँ चल रहे हैं तो आगे भी चढ़ जाएंगे, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, अगर आप लोगों का सपोर्ट होगा तो होपफुली, मेरे चैनल का नाम है कमल बैसलास ब्लॉग, सारे लाइफ स्टाइल हो गई, ट्रैवलिंग होगी या कोई चीज दिखानी हुई वो सारे होते हैं, क्या होता है भाई, होता क्या है, एक दुकान नहीं है, 3 दुकान खोल रख के कोई तो चले। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, अरे यार वो नहीं आए क्या, ट्रैवल एक्चुअल में कहने के लिए, लेकिन जब हम व्लॉगिंग कर रहे होते हैं उस टाइम तो आपको पता है कई जगह पे क्या होता है, जगह कंटेंट होती है, इन्फॉर्मेशन तो ये भाई सारे बैठे हुए हैं, इनसे हम लोग इकट्ठी कर लेते हैं, बाकी एंटरटेनमेंट अपना डाल के तोड़ मोड़ के कुछ बना देते हैं, जो हमसे मतलब मिक्स होता है ना, मतलब हम सतनाजा बना देते हैं पूरा, बाजरा। इसलिए एक रिक्वेस्ट है, एक वीडियो तो कम से कम जरूर देखना, फिर दिल करेगा तो दूसरी तीसरी चौथी जरूर देखना। बहुत सक्सेसफुल रहा, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताना चाह रहा हूँ जो भी नए यूट्यूबर्स हैं उनके लिए कि भाई मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला, और सबसे बड़ा मंत्र भाई डेली ब्लॉग्स बनाओ, जैसा कर रहे हैं,
इनको मैंने देखा अच्छा नहीं लगभग 30 दिन करते वो कैसे बनाए 30 दिन मेरे क्वेश्चन है तू जॉब करते वो कैसे बनाए डेली वर्क भाई डेली में जॉब करते भाई बहाने बनाने सीखो जॉब रात को मेले बनाओ काम से आकर बहाने बनाने से मैं काम से आकर रात को मेले बनाओ मेले के और कोई गुरु मंत्र नहीं है भाई मैं बताती हूं आप बता मैं भी वर्किंग हूं ठीक है मेरी शिफ्ट चलती है जब लाइक हां आप लोग बताओगे आप लोग कल का ही बता देती हूं मैं सीन क्या हुआ कि मेरे को 7 बजे के मेरी इवनिंग में शिफ्ट स्टार्ट होती है अरे वही से बहाना लगा दिया पावर कट हो गया कहीं बोल रहे थे यार पावर कट हो गया या वाईफाई नहीं चल रहा आज वो हो गया अभी जैसे ये बोल के अभी इसने पता क्या बोला है ओनर को बोलो घर पे लड़ाई होगी जा रहा मीटअप हमारा हो चुका है और आज मुझे पता चला ट्रेवल टू रिचार्ज और कितने बड़े हैं मैं तो इन्हें इतना बड़ा नहीं समझती थी बस फाइनली मीटअप तो कम्प्लीट हो चुका है अब हम आके बैठ गए थोड़ी यहाँ पे रुकेंगे उसके बाद दोबारा से दोबारा बोलो कि ये एक डॉक्टर है मीटअप में हम एक आप पढ़ रहे हो कैसे व्लॉग बनाओगे यार मेरा नहीं मेरा नहीं कट करना होता है नहीं कोई नहीं बोलो 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 और शंकर भगवान की तो हमारे मीट में हमें कोई मिले हैं जो कुछ कहना चाहते हैं हो सकता है आपको अपने ब्लॉग के लिए कंटेंट भी मिल जाए तो आप कुछ कहना चाहेंगे हेलो गाइस मेरा नाम डॉक्टर एमजे है मैंने एक्चुअली दिल्ली में इंडिया में फर्स्ट टाइम ऐसा मेडिकल कैफे ओपन किया है जो बिल्कुल यूनिक थीम है पूरे आज तक पूरे इंडिया में किसी ने ऐसा मेडिकल कैफे नहीं ओपन किया तो मैं सब लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप लोग मेरे यहाँ जरूर विजिट करें आपको बहुत मज़ा आने वाला है मेरे जो कैफे पर आकर लेकिन हॉस्पिटल वाली फीलिंग आपको आएगी एंड अगर आप लोगों को मतलब एड्रेस बताऊँ दिल्ली मुखर्जी नगर बत्रा सिनेमा में है और अगर आप गूगल लोकेशन चाहिए तो डॉक्टर एमजे आप सर्च करेंगे तो फर्स्ट पर मेरी लोकेशन आ जाएगी तो मेडिकल थीम का मतलब इसमें आप कुछ बता सकते हैं फाइनली बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद मेरे फेवरेट यूट्यूबर यहाँ पे आ चुके हैं ब्लॉग मेरा देसी तो आके मेरे से तो मिल लिए अभी एक बार मेरी ऑडियंस से कुछ बोल दो तो यही मेरे फेवरेट हेलो गाइज तो आप देख रहे हैं इंदु जोशी ब्लॉग्स इनको थोड़ा प्यार दे सब्सक्राइब करके थोड़ा मतलब थोड़ा इधर भी देना है और थोड़ा इधर भी देना है तो बराबर बांट के प्यार बांटते रहो ठीक है इधर और फिलहाल अभी हमें इंदु किधर हम है दिल्ली हाट में है ना अच्छा, आपको पोषण में कोई समस्या कोई परेशानी तो नहीं हुई नहीं मुझे कोई परेशानी मैंने पूरा प्रबंध किया हुआ था इधर ताकि इनको पोषण में कोई परेशानी ना हो बाकी आप एंजॉय लीजिए कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे फोन मत करना ठीक है तो गाइस फाइनली हो गया हमारा मीटअप कंप्लीट हम मिले यहाँ पे वर्ल्ड ऑफ जसमीत से भी मेरे फेवरेट यूट्यूबर से और ये हमारा पहला मीट था लाइफ में और हम होप करते हैं कि आगे जाके ऐसे मीट होते रहे और बहुत मजा आया हमें आज बहुत ज्यादा मोटिवेट होके आ गए हम और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए बहुत सारी मोटिवेशन लेकर जा रहे हैं तो देखते हैं और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लाएंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बाय बाय टेक केयर